मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई के प्रशासनिक भवन परिसर में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों द्वारा प्रस्तुत गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर विश्वविद्यालय कर्मियों को संबोधित किया। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर रमाकांत यादव, संकाय अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार, कुल सचिव सुरेश चंद शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आदेश कुमार, अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसपी सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी केबी अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी उमा शंकर की मौजूदगी में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश के चौमुखी प्रगति के लिए सभी देशवासियों को मिलकर विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण है। देश की आज़ादी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये आज़ादी हमें लंबे संघर्ष के बाद मिली, जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा, स्वास्थ्य क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। आगे उन्होंने ये भी कहा, विश्वविद्यालय के चिकित्सा एवं कर्मचारी गंभीरता से इस कोविड-19 महामारी के दौरान मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं, जिससे कोविड-19 हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में मरीज ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत है कि सभी एकजुट होकर विश्वविद्यालय में विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवा और शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत हों। इसके लिए विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बेहद गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने कहा कि बेहतरीन चिकित्सीय सेवाओं के कारण आज विश्वविद्यालय को देश के श्रेष्ठ चिकित्सा शिक्षा संस्थान के रूप में गिना जाता है। जब मेरा पहला प्रयास, पहला टेस्ट सक्सेसफुल रहा, तो मैं आपको बता दूं कि ताइवान से, श्रीलंका से, थाईलैंड से, इंग्लैंड से, कई जगह से प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए। और आज आपके यहाँ जो किताब, दुनिया की जो पहली किताब कोविड पर छापी गई है पूरे संपूर्ण विश्व की, वो आज अमेजान में भी अवेलेबल है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस सैफई जब मैं आया था, लोग ये नहीं जानते थे कि सैफई में भी चिकित्सा विश्वविद्यालय है। आज उसके लिए प्रशस्ति पत्र विकसित देशों से भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी किताब लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि वो किताब जो है आपने जो लिंक भेजा उस पर नहीं मिल रही। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस विश्वविद्यालय में आपके सहयोग से अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। डेस्परेट न हो, अभी एकदम सुधार नहीं हुए। हम ये भूल नहीं सकते कि 2,80,000 में भी यहाँ का अधिकारी मिल जाता है, और उसके बाद वो यहाँ की जो गंदगी है, जो अत्याचार, दुराचारी, भ्रष्टाचारी है, उनके साथ खड़ा हो जाता है। और इसमें हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। कीचड़ उछालने वाली जगह है, जो कीचड़ यहाँ था, जिसकी सफाई बड़ी बहादुरी से अपनी जान की कीमत पर हमने की है, उसको जारी रखिएगा, तभी आप दुनिया में अपनी जगह बना पाएंगे। और याद रखिए, जो आदमी जितना सस्ता बिकता है, वो जब तक बिकता है, जब तक व्यभिचारी उसके मतलब का होता है, तभी तक वो उसके साथ खड़ा होता है। जिस दिन जो बिका है वो व्यभिचारी, जिस दिन उसका काम उसकी मर्जी से नहीं करेगा, वो व्यभिचारी उसी की जान का दुश्मन बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।